शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कैंसर को बेहतर समझने के लिए हमें इंसानों की बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स को समझना होगा। हर दिन 330 बिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मरते हैं और नए जन्म लेते हैं। जब युवराज सिंह को कैंसर हुआ, संजय दत्त को कैंसर हुआ, तो कीमोथेरेपी कराते वक्त भी वो एक्सरसाइज कर रहे थे। इस लेवल का डेडिकेशन होना जरूरी है कैंसर से लड़ने के लिए। दुनिया भर में करीब 42% कैंसर के केसेस प्रिवेंटेबल है, और ये वो 5 चीजें हैं जो आपको करनी है अगर आपको कैंसर से बचना है। नमस्कार दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका डर लोगों को शायद से सबसे ज्यादा सताता है। क्वीन फिल्म में एक बड़ा जाना माना डायलॉग था जहां पर लीड कैरेक्टर रानी कहती है, गुप्ता अंकल को ना कैंसर हो गया, उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया, इससे अच्छा तो पी लेते। गुप्ता अंकल ने कभी शराब सिगरेट नहीं पी लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर हो गया, इससे अच्छा तो वो पी ही लेते। ऑब्वियसली एक कॉमेडी सीन था, लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में यही बात एक्चुअली में होती है। कई लोग किसी ऐसे इंसान को जरूर जानते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी शराब पी, ना कभी स्मोक किया, लेकिन फिर भी उसे कैंसर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ ऐसे भी कई इंसान हैं जिन्होंने जिंदगी भर स्मोक किया, शराब पी, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर नहीं हुआ। सच बात यह है दोस्तों कि कैंसर अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इस बात में कोई डाउट नहीं कि अल्कोहल पीने से 7 अलग अलग टाइप के कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं, जैसे कि लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेगस कैंसर, और स्मोकिंग से लंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर जैसे 16 अलग अलग कैंसर टाइप्स का रिस्क बढ़ता है। लेकिन कैंसर सिर्फ 16 प्रकार के नहीं होते, बल्कि 200 से ज्यादा अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये हमारे शरीर में कहां से स्टार्ट होता है। तो अल्कोहल और स्मोकिंग डेफिनेटली 2 बड़े कारण है कैंसर के पीछे, लेकिन इसके अलावा भी कैंसर के बहुत से कारण हैं। क्या हैं ये कारण जिन्हें हटाकर आप अपने कैंसर होने का रिस्क कम कर सकते हो? एग्जैक्टली ये बीमारी कैसे काम करती है और क्यों इंसानों के लिए इतनी हानिकारक होती है, आज के इस वीडियो में आइए कैंसर को गहराई से समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम चिराग है, उसके पेरेंट्स ने उसका रूटीन चेकअप करवाया तो पता चला कि हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम था। एक टेस्ट से पता चला कि चिराग को थैलेसीमिया मेजर नाम का एक ब्लड डिसऑर्डर है। It was a random test by which we came to know that he is thalassemia major and then the life took a turn. इसकी वजह से बॉडी सही से हीमोग्लोबिन और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती, यानी कि जिंदगी भर चिराग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। इंडिया में हर साल करीब 10,000 से 15,000 बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित पाए जाते हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है कि इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बुलाया जाता है। ये एक इनहेरिटेड बीमारी है, यानी कि आपके परिवार में अगर किसी को है तभी आपको ये होगी, लेकिन थैलेसीमिया से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। 2015 में ताइवान में एक स्टडी करी गई थी जिसने बताया कि जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले थैलेसीमिया के पेशेंट्स में 52% ज्यादा कैंसर होता है। हर 3 हफ्ते में जब चिराग को ट्रांसफ्यूजन के लिए अस्पताल ले जाया जाता तो वो अपने पेरेंट्स से पूछता कि मेरे दोस्त तो हॉस्पिटल नहीं जाते, मुझे ही क्यों ले जाया जा रहा है। My friends doesn't go any hospital. Why always I had to go? I used to say it's not like the beta. They also go for fever, something and all, like that only. So he was very small, so okay, mom, okay, fine. लेकिन जब चिराग 7-8 साल का हुआ तो कुछ कुछ उसे समझ आने लगा कि उसके साथ ही कोई इशू है जिसकी वजह से उसे हर 3 हफ्ते में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एक दवाई के साथ चिराग उस ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर के साथ एडजस्ट करने लगा। जब आईवी की लाइन उसे चुभती तो वो रोता भी नहीं था, लेकिन दर्द पेरेंट्स को होता था। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने उन्हें एक DKMS के बारे में बताया जो स्टेम सेल रजिस्ट्री है। अब कैंसर को समझने के लिए दोस्तों स्टेम सेल्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेम सेल्स और कैंसर का एक बहुत बड़ा लिंक है। क्या होते हैं ये स्टेम सेल्स? आप इनके नाम से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स जिनसे दूसरे सेल्स बनते हैं, ये खुद को अलग अलग प्रकार के सेल्स में बदल सकते हैं। इसके साथ साथ स्टेम सेल्स खुद को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। यही वो सेल्स हैं जिनसे ब्लड सेल्स बनते हैं, स्किन सेल्स बनते हैं, मसल सेल्स बनते हैं। यही सेल्स डैमेज टिश्यू को रिपेयर भी कर सकते हैं, और इसीलिए ब्लड कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर के इलाज के लिए स्टेम सेल्स बहुत ही आवश्यक है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में जब एक फर्टिलाइज्ड एग ब्लास्टोसिस्ट बनता है, एक बहुत ही अर्ली स्टेज एम्ब्रियो की बच्चे बनने से पहले, तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो स्टेम सेल्स पाए जाते
जाते हैं, उन्हें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। और ये ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी के किसी भी सेल का रूप ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इंसान बड़े होते हैं, एडल्ट ह्यूमंस में कोई भी ऐसे स्टेम सेल नहीं होते जो किसी भी तरह के सेल में बदल सके। एडल्ट्स में स्टेम सेल्स, जिन्हें सोमैटिक स्टेम सेल्स भी कहा जाता है, वो शरीर के जिस टिश्यू या ऑर्गन में होते हैं उसी के हिसाब से वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जैसे कि हमारे ब्रेन में जो स्टेम सेल्स हैं वो सिर्फ ब्रेन सेल्स में ही कन्वर्ट हो पाते हैं, हमारी स्किन वाले जो स्टेम सेल्स हैं वो सिर्फ स्किन सेल्स ही बन पाते हैं, और हमारे खून में जो ब्लड स्टेम सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स में ही कन्वर्ट हो पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो हमारी बॉडी में करीब 400 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स। सितंबर 2023 में की गई इस रिसर्च को देखिए, इसके अनुसार सभी सेल्स का जो टोटल नंबर है हमारी बॉडी में वो ट्रिलियंस में है। एक छोटे बच्चे में 17 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, एक एवरेज एडल्ट फीमेल में 28 ट्रिलियन और एवरेज एडल्ट मेल में 36 ट्रिलियन यानी कि 36 लाख करोड़ सेल्स होते हैं। हर रोज हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स मरते रहते हैं और बिलियंस ऑफ सेल्स नए भी बनते रहते हैं। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 330 बिलियन सेल्स यानी कि हमारे शरीर में टोटल नंबर ऑफ सेल्स के करीबन 1% हर रोज रिप्लेस होते हैं। फिलोसॉफिकली एक कहावत है जो यहाँ पर कही जाती है कि आप आज सुबह जो इंसान थे अभी शाम को आप वो इंसान नहीं हो, आप पल पल बदलते रहते हो एक नदी की तरह। ये बात हमारी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में लिटरली भी सच है। और ये पल पल बदलना, सेल्स का दिन प्रतिदिन रीजनरेट होना, ये काम स्टेम सेल्स के द्वारा किया जाता है। अलग अलग टिश्यूज में जो रीजनरेशन होता है उस टिश्यू के स्टेम सेल के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस सब में एक ऑर्गन हमारी बॉडी का बहुत ही अनोखा है, हमारी लिवर। हमारी लिवर एक बहुत ही यूनिक ऑर्गन है क्योंकि वहां पर फुली डेवलप्ड, फुली स्पेशलाइज्ड लिवर सेल्स भी डिवाइड होते हैं और अपनी संख्या को रैपिडली बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में लिवर इकलौता ऑर्गन है जो छिपकली की पूंछ की तरह काम करता है। छिपकली की पूंछ अगर काट दो तो वो दोबारा से ग्रो हो जाती है। ऐसे ही हमारी लिवर का अगर 90% हिस्सा भी आप काट के फेंक दो तो दोबारा से ग्रो हो जाएगी हमारी लिवर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिवर खराब नहीं हो सकती। अगर आप कहोगे कि बियर तो शराब है ही नहीं, वाइन सेहत के लिए अच्छी होती है, या फिर आप उन लोगों में से हो जो कहते हो कि मैं तो एक ही बारी में इतने शॉट गट का जाता हूं। अल्कोहल पीने से लिवर पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है और लिवर कैंसर का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, अगर आप जंक फूड खाते रहोगे, अपना वेट बढ़ाते रहोगे, हर्बल के नाम पर कुछ भी अपने शरीर में डालते रहोगे तो भी आपको लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंडिया में हर साल लगभग 270,000 लोग मारे जाते हैं लिवर डिजीजेस की वजह से, जो दुनिया की लिवर डिजीज रिलेटेड डेथ्स का 18.3% है। लेकिन स्टेम सेल और रीजनरेशन के टॉपिक पर वापस आए तो एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि जो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के बॉडी सेल्स हैं उनका खुद को रिन्यू करने का, रीजनरेट करने का जो रेट है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि मई 2008 की इस मेजर स्टडी ने बताया कि हर साल बॉडी के 10% फैट सेल्स रिप्लेस होते हैं। इसका मतलब बॉडी के अंदर सारे फैट सेल्स को रिप्लेस करने में करीब 10 साल का समय लगता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइड टॉपिक है यहाँ पर कि क्या हमारे ब्रेन सेल्स भी रीजनरेट कर सकते हैं, इस पर काफी समय से साइंटिफिक डिबेट रही है। माना जाता है कि हमारे दिमाग में ज्यादातर न्यूरॉन्स हमारे बर्थ के समय तक ही बन जाते हैं, करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स। लेकिन रीसेंट रिसर्च ने इंडिकेट किया है कि एक लिमिटेड न्यूरोजेनेसिस यानी कि ब्रेन सेल्स का रीजनरेट होना दिमाग के केवल दो हिस्सों में देखा गया है। एक है हिप्पोकैम्पस जो हमारी मेमोरीज, लर्निंग और इमोशंस में इन्वॉल्व होता है, और दूसरा ऑल्फैक्टरी बल्ब जो स्मेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। In the hippocampus and in the olfactory bulb, there are two regions where new neurons are made throughout life. दिमाग के दूसरे न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं करते और जिंदगी भर वैसे ही बने रहते हैं। और ब्रेन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट और जॉइंट्स में भी बहुत कम रीजनरेटिव कैपेसिटी देखी गई है। इसलिए अगर इन जगहों में आपको कोई बीमारी होती है या चोट लगती है तो वो बहुत बहुत हानिकारक होती है। लेकिन इसके ऑपोजिट कई ऐसे बॉडी सेल्स हैं जो बहुत फास्ट रीजनरेशन करते हैं, जिन्हें पूरा कंप्लीट ओवरहॉल करने में बहुत कम समय लगता है, जैसे कि हमारे स्किन सेल्स। हर रोज हमारी बॉडी 500 मिलियन स्किन सेल्स शेड करती है। इसका मतलब पता है क्या कि हर 4 हफ्ते में हमारी पूरी स्किन रीजनरेट हो जाती है। और 4 हफ्ते भी फास्टेस्ट रीजनरेशन टाइम नहीं है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर की जो लाइनिंग है वो केवल 5 से 7 दिन में पूरी तरह रीजनरेट हो सकती है। नए रेड ब्लड सेल्स 1 सेकंड में 2-3 मिलियन प्रोड्यूस हो सकते हैं। इनका एवरेज लाइफ स्पैन सिर्फ 120 दिन का होता है। स्टेम सेल्स में भी खुद को रेप्लिकेट करने का और इसी तरीके से सेल्फ रिन्यूअल का पोटेंशियल होता है। जरा सोच के देखो ये कितनी ही अमेजिंग बात है कि हमारा शरीर कैसे हमें कॉन्स्टेंटली नया करने की कोशिश करते रहता है, कॉन्स्टेंटली नए सेल्स रीजनरेट करते रहता है। यही कारण है कि अगर आप कहीं गिर जाते हैं, खरोंच लग जाती है तो कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि आपके स्किन सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं अपना, तो ब्लड वॉल्यूम यानी कि प्लाज्मा केवल 24 घंटे में रिस्टोर हो जाता है। जितने
ही रेड ब्लड सेल्स आपने किसी और को दिए, 4 से 6 हफ्ते में वो वापस आ जाते हैं। ये पूरा मामला है रिप्लेनिशमेंट का, रिपेयर का और रीजनरेशन का। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी सेल में जीन डैमेज हो जाए तो क्या होगा? अगर आपको याद हो एवोल्यूशन वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि डीएनए, जीन्स और जीन म्यूटेशंस क्या होती हैं। जीन को एक तरह से प्रोग्राम की तरह समझ सकते हो जिनमें डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं सेल के लिए। अगर सेल्स की जीन्स में कुछ बदलाव आ जाता है या कोई एरर आ जाता है तो इसे म्यूटेशन कहा जाता है और इसकी वजह से सेल ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसी सिचुएशन के लिए हमारी बॉडी के पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कुछ मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी के अंदर जो जीन डैमेज के खिलाफ फाइट करते हैं, जैसे कि P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये वाली जीन जो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है वो डैमेज्ड जीन को रिपेयर करने का काम कर सकता है। इसी तरीके से एक जीन होती है जो फिल्टर की तरह काम करती है। अगर कोई सेल बहुत पुराना या डैमेज्ड हो जाए तो जीन उसे मरने की इंस्ट्रक्शन दे देती है। इस प्रोसेस को प्रोग्राम्ड सेल डेथ या अपोप्टोसिस कहा जाता है। सेल से वहां पर लिटरली कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब गायब हो जाओ यहाँ से। दूसरी कुछ और जीन्स हैं जो मैकेनिक की तरह काम करती हैं, डैमेज्ड जीन्स को रिपेयर करने का काम करती हैं। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए अगर हमारे सेल्स में कोई डैमेज पहुंच रहा है तो हमारी बॉडी के पास सिक्योरिटी गार्ड जीन्स है, फिल्टर जीन्स है, मैकेनिक जीन्स है। इन सब के द्वारा हमारे डैमेज्ड सेल्स को बढ़ने से रोका जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है या उन्हें बॉडी से हटाया भी जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तब क्या होगा अगर ये वाली जीन्स ही अपने आप में डैमेज हो जाए तो? ये सिक्योरिटी गार्ड, फिल्टर और मैकेनिक ही डैमेज हो जाए, फिर कौन इनके काम संभालेगा? अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं, और ऐसी ही सिचुएशन को कैंसर कहा जाता है। म्यूटेशन की वजह से अगर किसी सेल की जीन डैमेज हो जाए और वो अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो करने लगे, फैलने लगे, तो ऐसे सेल को कैंसर सेल बुलाया जाता है। कैंसर सेल्स इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि वो नॉर्मल हेल्दी सेल्स के रास्ते में भी रोड़ा अटका देते हैं। इन कैंसर सेल्स में अक्सर ये भी काबिलियत होती है कि ये दूसरे टिश्यूज को इन्फिल्ट्रेट कर सके। यही कारण है कि कैंसर बॉडी के किसी एक हिस्से से शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे अगर उसे रोका ना गया तो बॉडी के और पार्ट्स में भी फैलने लग जाता है। जब एक बॉडी पार्ट से आया कैंसर सेल बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैलने लगता है तो इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस करके बुलाया जाता है। हमारे शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो जाती है इसकी वजह से। ऐसे जीन डैमेजेस होने के पीछे एग्जैक्टली क्या कारण होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी बात वीडियो के एंड में करेंगे। अभी बात करते हैं ट्रीटमेंट की। कैंसर की सबसे फेमस ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी। इन कैंसर सेल्स को खत्म किया जाना किसी पावरफुल केमिकल की मदद से, इसी प्रोसेस को कीमोथेरेपी कहा जाता है। इस प्रोसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये पावरफुल केमिकल्स कैंसर सेल्स को तो मार देते हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ अच्छे हेल्दी सेल्स को भी खत्म कर देते हैं। कीमोथेरेपी की केमिकल्स उन सेल्स को टारगेट करते हैं जो डिवीजन के प्रोसेस के बीच में होते हैं, तो जो भी फास्ट रीजनरेटिंग हेल्दी सेल्स हैं बॉडी के, कैंसर सेल्स के साथ साथ उन पर भी हमला होता है। यही कारण कि जो लोग कीमोथेरेपी करा रहे होते हैं वो लोग अक्सर गंजे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल सेल्स बड़े ही फास्ट रीग्रोइंग सेल्स हैं। साथ ही साथ मैंने क्या कहा था, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स हैं वो भी बड़ी जल्दी जल्दी रीग्रो करते हैं, इसलिए कीमोथेरेपी के दौरान डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉमिटिंग आती है, डायरिया आता है। इसके अलावा हमारे बोन मैरो सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बोन मैरो हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है। एक होता है येलो बोन मैरो, जहां ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो फैट कार्टिलेज या बोन सेल्स बन जाते हैं। दूसरा होता है रेड बोन मैरो, जहां ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स बन जाते हैं। तो क्योंकि मैंने कहा था हमारे ब्लड सेल्स भी बड़े फास्ट रीग्रोइंग सेल्स हैं, तो कीमोथेरेपी की वजह से ये भी डैमेज हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से एनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन लेवल अक्सर नीचे गिर जाता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, जब हमें चोट लगती है, कहीं पे वुंड आता है तो ये आकर उस वुंड को हील करते हैं, लेकिन अगर ये कम होंगे तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी वुंड में। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी में मदद करते हैं, अगर हमें सर्दी जुकाम हो गया तो उससे फाइट बैक करते हैं वो, लेकिन कीमोथेरेपी की वजह से अगर व्हाइट ब्लड सेल्स कम होंगे तो बाकी और बीमारियों के होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कीमोथेरेपी के दौरान बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए, अच्छी नींद पूरी करनी चाहिए आपको, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, रेगुलर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, मास्क पहनना है, फूड हाइजीन की मदद से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचा जाए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी हो जाती है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का जब कैंसर ट्रीटमेंट हुआ था तो उनकी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सेवंती लिमाई ने बताया कि कीमोथेरेपी वाले दिन पर भी वो ट्रेडमिल पर दिखते थे, 1 घंटा एक्सरसाइज करते थे, शायद यही कारण कि आज वो इतने अच्छे से रिकवर कर पाए हैं। अब मान लीजिए कीमोथेरेपी से कैंसर सेल्स तो खत्म हो गए, लेकिन इसके लिए किया जाता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। ये ब्लड कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर पेशेंट्स के लिए एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है। कुछ केसेस में इंसान के खुद के कुछ हेल्दी स्टेम सेल्स ही उसको दिए जा सकते हैं, ऐसे केस में इसे कहा जाता है ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट।
पेशेंट की एक बाह से खून जाता है एक एफरेसिस मशीन में, स्टेम सेल्स को यहाँ पर अलग किया जाता है और बचा हुआ खून दूसरी बाह से वापस दिया जाता है। कीमोथेरेपी से कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है और इसके बाद उन स्टेम सेल्स को वापस दिया जाता है। कई केसेस में दूसरे डोनर की जरूरत पड़ती है क्योंकि पेशेंट की खुद की बॉडी में बोन मैरो की पर्याप्त मात्रा ही नहीं होती, हेल्दी ब्लड सेल्स मिल ही नहीं पाते उतने। ऐसे केस में इसे कहा जाता है एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। जिस तरह ब्लड लेने के लिए डोनर के साथ आपका ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी है, इसी तरह स्टेम सेल्स लेने के लिए मैच करना जरूरी है आपका HLA टाइपिंग। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग। ज्यादा डिटेल्स में जाए बिना ये जान लीजिए कि HLA इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आपके भाई या बहन के साथ आपका HLA टाइपिंग परफेक्टली मैच करे इसकी प्रोबेबिलिटी 25% होती है। आपके पेरेंट्स के साथ ये कभी मैच नहीं कर सकता क्योंकि एक हिस्सा आपके एक साइड के पेरेंट्स से आता है, दूसरा हिस्सा दूसरी साइड के पेरेंट्स से। तो अगर भाई बहन के साथ कोई मैच ना निकले तो किसी अनरिलेटेड इंसान से आपको HLA टाइप मैच कराना होता है और ये परफेक्ट मैच होने का चांस बहुत बहुत कम हो जाता है, 1 लाख में से 1। दुनिया में हर 1 लाख लोगों में से एक ही इंसान ऐसा मिलेगा जिसके साथ आपका HLA टाइप मैच कर रहा हो। कैसे ढूंढे जाए मैचिंग डोनर्स ऐसे केस में, यहाँ रोल आता है दोस्तों स्टेम सेल रजिस्ट्री DKMS का। ये ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी टैगलाइन है हम ब्लड कैंसर को खत्म करते हैं। ये अपना एक वर्ल्ड वाइड डेटाबेस बनाकर रखते हैं। इस डेटाबेस में से ही चिराग के लिए एक डोनर मिल गए, वही चिराग जिनकी कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। ये डोनर थे रोमन सिमिंस्की, जो नेटिवली रशिया से हैं लेकिन 2005 से जर्मनी में सेटल्ड हैं। रोमन एक प्रिसिशन मैकेनिक हैं लेकिन किक बॉक्सिंग करना पसंद करते हैं। एक बार उनकी किक बॉक्सिंग टीम ने ब्लड डोनेट किया। रोमन भी स्कूल के टाइम से ब्लड डोनेट करते रहे हैं इसलिए उन्होंने भी किया। उनसे पूछा गया कि आप एक स्वैब सैंपल देना चाहेंगे। मुंह के अंदर डालकर गाल के पास से स्वैब सैंपल लिया जाता है, तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। ये करने के करीब 1 साल बाद रोमन को DKMS ने कॉन्टेक्ट किया, कहा कि आपकी HLA टाइपिंग किसी के साथ मैच हो गई है, आप स्टेम सेल डोनेट कर सकते हो अपने। रोमन कहते हैं कि उनके लिए जरूरी नहीं था कि वो किसे डोनेट करने जा रहे हैं, बल्कि बस ये जरूरी था कि उनके डोनेट करने से किसी की जान बचेगी। उन्होंने हाँ कहा और अपने स्टेम सेल्स डोनेट कर दिए चिराग को। Das war mir jetzt nicht wichtig zu wissen an wen, sondern dass meine Spende jetzt ein Leben retten kann. स्टेम सेल्स दोस्तों हमारे बोन मैरो के अलावा हमारे पेरिफेरल ब्लड में भी पाए जाते हैं, यानी कि वो खून जो हमारे हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में दौड़ता है। स्टेम सेल डोनेशन सुनने में अपने आप में बहुत ही भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में सिर्फ 3 से 4 घंटे का बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है। स्टेम सेल्स डोनेट करने के लिए आपको बस आपके नजदीकी केंद्र में जाना है और आगे की जो बाकी की प्रक्रिया होती है वो ब्लड प्लेटलेट डोनेशन की तरह एकदम सिंपल होती है। बस एक फर्क है, जब आपका खून आपके हाथ से निकाला जाता है तो उस खून को पहले एक मशीन में भेजा जाता है जहां पर स्टेम सेल्स को अलग किया जाता है और फिर वही खून शरीर में आपके वापस भेज दिया जाता है। बेसिकली आपके ब्लड से सिर्फ स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं और जो बाकी खून होता है वो वापस आपकी बॉडी में आ जाता है। इस प्रोसेस को PBSC कहा जाता है, पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल मेथड। और जैसा हम जानते ही हैं स्टेम सेल्स खुद से रीजनरेट कर सकते हैं, तो कुछ ही टाइम बाद बॉडी आराम से स्टेम सेल्स को रीजनरेट कर भी लेती है। कुछ इसी तरह रोमन ने स्टेम सेल डोनेशन के जरिए चिराग की जान बचाई, चिराग पूरी तरीके से हेल्दी हो सका। चिराग ने ठीक होने के बाद रोमन को एक लेटर लिखा जिसे पढ़कर रोमन और उनकी वाइफ की आंखों में आंसू आ गए। Als der erste Brief von Chirag ankam, waren wir alle überwältigt. Also bei uns sind wirklich alle Emotionen hochgekommen, Tränen sind geflossen. चिराग ने उन्हें अपना भाई, अपना हीरो कहा था चिट्ठी में। रोमन ने कहा कि उनका खुद का एक छोटा भाई है जो एक्चुअली में चिराग की ही उम्र का है। इस साल मई में दोनों का पहली बार फेस टू फेस मिलना भी हुआ। ठीक इसी तरीके से आप भी किसी की जान बचा सकते हैं दोस्तों, आप भी किसी के लिए एक देवदूत बन सकते हैं। वीडियो देखने वाले सभी व्यूअर्स अगर रजिस्टर करें तो हम ब्लड कैंसर को एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप में से किसी को भी ब्लड कैंसर या ब्लड डिसऑर्डर नहीं है और ना ही कभी हो, लेकिन फिर भी आप अपना HLA टाइपिंग पता कर सकते हैं और इसे पता करके रखेंगे तो अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और एक ऑनलाइन फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी उम्र, आपका एड्रेस। रजिस्टर करने के कुछ ही दिनों बाद आपके घर में एक बिल्कुल फ्री एक स्वैब किट आ जाएगी। इस स्वैब किट में आपको मिलेंगे 3 क्लीन स्टेरिलाइज्ड बुकल स्वैब्स, बुकल स्वैब एनवेलप,
कंसेंट फॉर्म और एक इंस्ट्रक्शन शीट। इस इंस्ट्रक्शन शीट में दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको अपना स्वैब सैंपल लेना है, आपको बेसिकली अपने चीक में डालना होगा। इस सैंपल को साइन किए गए कंसेंट फॉर्म के साथ उसी किट में दिए गए एनवेलप में बंद कीजिए और इस एनवेलप को स्क्रीन पर दिखाए गए तरीकों से रिवर्स पिकअप रिक्वेस्ट कीजिए। फिर आपके सैंपल का इस्तेमाल करके आपका HLA टाइप पता किया जाएगा और पूरे प्रोसेस को होने में लगभग 40 दिन का समय लगेगा। इसके बाद आपको DKMS की ईमेल आएगी जिसमें लिखा होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप वर्ल्ड स्टेम सेल डोनर के डेटाबेस में सफलतापूर्वक रजिस्टर हो गए हैं। अगर आप अपना HLA टाइप जानना चाहते हैं तो donor@dkms-bmst.org पर ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद आपका HLA टाइप किसी ब्लड कैंसर के मरीज से मैच होने पर आपको स्टेम सेल डोनेशन के लिए कॉल आएगा। इसकी संभावना बहुत दुर्लभ है, कॉल आने में एक हफ्ते से लेकर एक साल लग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे जीवन भर पूरी जिंदगी में आपको कभी कॉल ना आए क्योंकि किसी को आपके HLA टाइप की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर आपको डोनेशन के लिए कॉल आती है तो ये आप पर निर्भर है कि आप डोनेशन के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं हो। ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, उस मोमेंट में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने स्टेम सेल्स डोनेट करने हैं या नहीं करने। लेकिन पूरा प्रोसेस कंप्लीटली फ्री है, आपको कोई खर्चा उठाने की जरूरत नहीं, इसका खर्चा DKMS NGO उठा रहा है। अब आते हैं जीन डैमेज के कारणों पर। आखिर क्या कारण है कि कुछ सेल्स में इस तरीके का जीन डैमेज हो जाता है? तीन मेन कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला है इनहेरिटेड म्यूटेशन, कि आप म्यूटेटेड जीन के साथ ही पैदा हुए हो। ऐसा यूजुअली तब होता है जब आपने अपने पेरेंट्स से इस डैमेज्ड जीन को इनहेरिट किया हो। कुछ केसेस में तब भी हो सकता है जब आप एम्ब्रियो थे और वहां पर ये म्यूटेटेड जीन डेवलप हो गया। दुनिया में टोटल कैंसर केसेस में से लगभग 5-10% कैंसर केसेस इनहेरिटेड म्यूटेटेड जीन्स की वजह से होते हैं, यानी कि बचपन से ही ये जीन्स आपके अंदर होती हैं। दूसरा कारण है एज। आपकी उम्र के साथ साथ जीन्स वेयर आउट होने लग जाती हैं, इसलिए ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा कैंसर के केसेस देखने को मिलते हैं। कैंसर रिसर्च यूके की इस रिपोर्ट को देखिए, 2017 से 2019 तक जो कैंसर के केसेस देखे गए उनमें से 90% केसेस 50 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों में थे। उम्र के हिसाब से 100,000 लोगों में से कितने लोगों को कैंसर होगा, ये इंसिडेंस भी आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे कर्व ऊपर जा रहा है और मैक्सिमम इंसिडेंस 85-89 ईयर्स वाले इंटरवल में देखने को मिलता है, यानी 80-90 साल की उम्र में सबसे ज्यादा चांस होता है कैंसर होने का। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीन डैमेज समय के साथ साथ बिल्डअप होता रहा है। या तो आपकी यंग एज में ही डेथ हो गई डेंगू या मलेरिया की वजह से, या फिर आप इतनी लंबी उम्र जिए कि आप एक कैंसर पेशेंट बन गए। You either die from malaria or you live long enough to see yourself become cancer patient. इसलिए कैंसर की बीमारी डेवलप्ड देशों में ज्यादा देखने को मिलती है डेवलपिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि डेवलप्ड देशों में बाकी और बीमारियां कम होती हैं। लोग ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं और लोग अगर ज्यादा लंबी उम्र जी रहे हैं तो जीन डैमेज का रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो अफसोस की बात यह है कि जो दोनों कारण मैंने आपको अभी तक बताए, इन दोनों कारण में आप कुछ कर नहीं सकते। जो जीन्स इनहेरिट आपको होने वाले हैं वो हो चुके हैं इनहेरिट, अब आप कुछ बदल नहीं सकते, और जो उम्र आपकी बढ़ रही है वो बढ़ते ही रहेगी, उसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन जो तीसरा कारण है, इसको लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये है लाइफस्टाइल कॉजेस। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के द्वारा की गई 2017 की इस एनालिसिस को देखिए। अच्छी खबर यह है कि करीब 42% कैंसर के केसेस प्रिवेंटेबल है लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। करीबन 19% कैंसर के केसेस जो दुनिया में लोगों को होते हैं वो सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होते हैं। 5.6% अल्कोहल की वजह से होते हैं। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि सबसे पहले अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं तो अपने वेट को सही जोन में लाइए, क्योंकि ये देखिए 7.8% कैंसर के केसेस होते हैं ओबेसिटी की वजह से। अपना वजन कैसे कम करना है, इसको लेकर अगर आप डिटेल्ड साइंटिफिक गाइड चाहते हैं तो मैंने ये वीडियो बनाया है बहुत ही डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप, जिसमें बताया है कि एग्जैक्टली कैसे किया जा सकता है। तीसरा, यूवी रेडिएशन, करीब 4.7% केसेस यूवी रेडिएशन की वजह से होते हैं। सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, दोपहर के समय अपनी वेदर ऐप में देखा करो कि यूवी इंडेक्स कितना है। अगर यूवी इंडेक्स 5 से ऊपर है तो अल्ट्रावायलेट रेज बहुत डैमेजिंग हो सकती हैं आपकी स्किन के लिए। वही अल्ट्रावायलेट रेज आपके स्किन को पेनिट्रेट करके आपके DNA को डैमेज करती हैं, जीन्स डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। बार बार सन की वजह से टैन होना या सनबर्न होना इसी का ही एक इंडिकेशन है, और ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। इसे अवॉइड करने के दो Tan on duty, sir, with Mami Poco Pants All Night Absorb, just got 50% whiter crisp.
वो तरीके हैं। पहला तो ये कि सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक बाहर मत निकलो धूप में। ये वो समय है जब यूवी इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, स्पेशली समर्स के समय में, विंटर्स में इतना ज्यादा नहीं होता। तो सुबह या शाम में ही धूप के मजे लिया करो। और दूसरा ये कि अगर आपको एक्चुअली में इस टाइम के बीच में बाहर निकलना है धूप में, तो सनस्क्रीन लगानी बहुत जरूरी चीज है। चौथा, करीब 5% कैंसर केसेस होते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी और पुअर डाइट की वजह से। अपनी डाइट से प्रोसेस्ड खाने को और एडिड शुगर को बाहर निकालो, और जितने ज्यादा अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बेरीज, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, मिल्क, एग, ये सब शामिल करो। जो पैकेज्ड खाना होता है उसमें अक्सर ऐसे केमिकल्स डले होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिनसे कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है, लेकिन अक्सर ये चीजें काफी टाइम बाद ही पता चलती हैं। जैसे कि ब्रेड वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पोटेशियम ब्रोमेट, एक बड़ा ही फेमस एडिटिव जो ब्रेड में डाला जाता था, बहुत समय तक उसे इस्तेमाल किया जाता था दुनिया भर में, और सिर्फ पिछले 10-20 सालों में ही पता चला कि एक्चुअली में तो ये कार्सिनोजेनिक है। ब्रेड बनाने वाली कंपनीज ने कहा कि अब से हम ये नहीं डालेंगे, लेकिन अभी तक जो आपने खाया उसका क्या? तमिलनाडु और गोवा के बाद अब कर्नाटका ने आर्टिफिशियल फूड कलरिंग पर बैन लगाया है। देखा गया कि कबाब में सनसेट येलो और कार्मोसिन कलरिंग डाली जा रही थी। सनसेट येलो FCF एक ऐसा केमिकल है जिसका अगर यूरोपियन यूनियन में इस्तेमाल किया गया तो लेबल लगाना पड़ता है उस पैकेट पर कि बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर हेल्थ वार्निंग है। CSPI की वेबसाइट पर आपको ऐसे केमिकल्स की लंबी लिस्ट मिल जाएगी जो पहले परमिटेड थे लेकिन उसके बाद USA के द्वारा बैन कर दिए गए। जैसे 2018 में स्टायरीन, मायरसीन, बेंजोफीन को बैन किया गया। इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि पैकेज्ड खाना मत खाओ, नेचुरल खाना खाओ, फ्रेश खाना खाओ और लोकल खाओ। फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिव लाइफस्टाइल रखना काफी जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो जिसमें स्ट्रेचिंग, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तीनों तरीके की एक्सरसाइज होनी चाहिए। स्ट्रेचिंग बड़ा ऑब्वियस है जिसमें आप मसल्स को स्ट्रेच करते हो, कार्डियो वो एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग या स्विमिंग जहां पर आपकी हार्ट बीट ऊपर होती है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जहां पर वेट लिफ्टिंग की जाती है। फिर आता है एनवायरमेंटल एक्सपोजर का एक एंगल, एयर पोल्यूशन और कई सारे पेस्टिसाइड्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है जो कार्सिनोजेंस होते हैं। आपके वर्किंग एनवायरमेंट में कहीं बेंजीन, एस्बेस्टोस, विनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक, इनका तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे ह्यूमन कार्सिनोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के एक्सपोजर से कैंसर हो सकता है, और एयर पोल्यूशन तो आपके हाथ में नहीं है लेकिन अपना एक्सपोजर जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। फिर आता है दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर जो डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेशली 20-25% कैंसर केसेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, और ये कारण है वायरसेस। सही सुना आपने, अलग अलग प्रकार के वायरसेस भी कैंसर का कारण बन सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का वायरस, हेपेटाइटिस सी का वायरस, HIV वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस, मर्कल सेल पोलियोमा वायरस, HPV वायरस। इनसे बचने का एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है जो वैक्सीन्स डॉक्टर के द्वारा रेकमेंड की जाती हैं, उन्हें लेना जरूरी है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाइए, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन लगवाइए। अक्सर ये वैक्सीन्स बचपन में ही लग जाती हैं लोगों को, लेकिन HPV एक नई वैक्सीन आई है HPV वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, ये लगवानी जरूरी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपका और आपकी फैमिली का कैंसर रिस्क बहुत हद तक कम हो जाएगा। दूसरा, ब्लड कैंसर के मरीजों को बचाने का तरीका तो मैंने आपको बताया, आज ही जाके DKMS में रजिस्टर कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा करने से आप लाखों ब्लड कैंसर के मरीजों को जीने की उम्मीद दे सकते हैं। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ भी होता है, यही कारण कि मैंने वीडियो सितंबर में बनाया। और अब अगर आप जानना चाहते हैं जो लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं दुनिया में, उनके इतनी लंबी उम्र जीने के पीछे क्या राज है, और आप अपनी जिंदगी के लिए